आज का जो हमारा वीडियो है वो आकृति फाइनेंस के ऊपर है। आकृति फाइनेंस में जो हमने बैंक रजिस्टर्ड किया है उस बैंक को चेंज करने पे बैंक चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है। ओके, तो सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आकृति फाइनेंस को ओपन करेंगे। अब देखो ये है आकृति फाइनेंस और यहाँ पर आप देख सकते हो आकृति फाइनेंस में जो लोन मिलता है वो मिलता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, पहले आपको लोन मिलेगा 3000 रुपये का, आप इसको अगर रीपे कर देते हो और आकृति फाइनेंस कंपनी चाहे तो फिर आपको 5000 रुपये का लोन दे सकती है, और नहीं देना चाहे तो वो अलग बात, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं, आकृति फाइनेंस का जो टारगेट है वो है भैया पूरा का पूरा 50000 रुपये तक का। ओके, आपके भाई ने यहाँ पर आकृति फाइनेंस में लोन अप्लाई किया था, अप्लाइंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 1 तारीख महीना 2 2024 को, मतलब कि यहाँ पर पूरा पूरा एक साल अभी ख़त्म भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर जो है ना, जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त यहाँ पर 0 लिमिट मुझे मिली थी। अब ये लिमिट कैसे मिलती है मैं आपको वो भी बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मुझे 0 लिमिट मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मुझे लिमिट नहीं मिली थी, हालांकि मेरा सिविल स्कोर बढ़िया था, तो मैंने क्या किया कि इस अकाउंट को मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मैंने अभी 2-3 महीने बाद मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा अपडेट बैंक डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मेरा बैंक डिटेल्स है वो पुराना वाला है। ओके, यहाँ पर बोला कि अपडेट करो आप नया बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देखो ये पुराना वाला है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपडेट बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर मैं इस बैंक अकाउंट को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस बैंक अकाउंट का कोई काम ही नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ नया बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम डाल देते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट डाल दिया एंड IFC कोड डाल दिया, मतलब मैंने यहाँ पर जो हमारा पुराना वाला बैंक था वो मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर नया बैंक डाल दिया। एंड यहाँ पर जो है ना लिखा है वेरीफाई, जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे बैंक चेंज होगा नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर वेरीफाई कर देते, तो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ये लोडिंग ले रहा है और देखो इनवैलिड अकाउंट नंबर IFC कोड, ठीक है। हालाँकि यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट बैंक अकाउंट है, लेकिन फिर भी ये कंपनी क्या बोल रही है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो इनवैलिड है एंड IFC कोड भी गलत है। ये क्या हो रहा है भाई, आकृति फाइनेंस में ये हो क्या रहा है? ये सब कुछ मैं डाल रहा हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना हमारा बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम करेंगे वेरीफाई क्लिक और यहाँ पर देखो इनवैलिड अकाउंट नंबर IFC कोड, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति फाइनेंस में बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है। अब इस रीज़न के ऊपर जो मेरा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने कल की डेट में कस्टमर केयर को कॉल किया था, ठीक है। ये जो डिस्प्ले में नंबर शो हो रहे हैं ना, इसी नंबर पर कॉल किया था, हालाँकि ये नंबर मैंने हाइड किया है, सॉरी, माफ़ी मांगूंगा आपसे। और ये नंबर जब मैंने कॉल किया तो एक बार कॉल रिसीव नहीं किया गया, एंड उसके बाद जब मुझसे बात हुई है इन कंपनी वालों से तो उनका क्या कहना था जरा वो भी सुन लो। देखो उनका ये कहना था कि भैया ये जो अकाउंट है आपका कर दिया गया है लॉक, ठीक है, LOC के लॉक। अब लॉक का क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि ये जो अकाउंट है ये हम अब यूज नहीं कर सकते। अब रीजन की क्या बात है, मैं रीजन भी पूछा था कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की। तो गलती मेरी ये थी कि जब मैंने इसमें लोन अप्लाई किया था तो उस वक्त कंपनी की तरफ से 3-4 बार कॉल आए थे लेकिन मैंने रिसीव नहीं किए थे। हालांकि मैं अपने फ़ोन में सिक्योरिटी लगाता हूँ कि फ़ोन आते मुझे पता नहीं चल पाता कभी कभार, तो मैंने यहाँ पर कॉल रिसीव नहीं किया था। और इसमें मैंने वेट किया था पूरा 1 मंथ का, ठीक है, तो 1 मंथ का वेट किया था लेकिन जब यहाँ पर कॉल रिसीव नहीं की थी तो क्या हुआ कि कंपनी वालों ने कहा कि भैया ये कोई ऐसा बंदा है फर्जी वाला है जिसको लोन की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, तो सिस्टम क्या करता है कि उस अकाउंट को लॉक कर देती है ताकि कोई गलत मिसयूज ना कर सके, ठीक है ना। तो हमारा जो अकाउंट है वो हो चुका भैया लॉक। अब इसका अनलॉक का क्या प्रक्रिया है, तो मैंने कंपनी वालों से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आप इसको अनलॉक कराना चाहते हो तो आपको जो है हमें मेल करना पड़ेगा, मेल करोगे तो हम इसको अनलॉक करवाएंगे, लेकिन पूरा सिस्टम पर निर्भर है कब तक ये अनलॉक होगा, इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते। ओके, अब यहाँ पर देखो सिस्टम जब आपको ऑफर दे देगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर बैंक डिटेल भी चेंज कर पाओगे और ऑफर को भी अवेल कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है।
तो जिन जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक काम करें कि कस्टमर केयर से बात करें सबसे पहले तो, और उनको प्रॉब्लम बताएं। सारा प्रॉब्लम का समाधान आपको कस्टमर केयर वाले बता देंगे, क्या रीज़न आपके जो है इसमें हो रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है और क्यों क्यों ये हो रहा है, ठीक है। तो बस यार मुझे वीडियो में बस इतना ही बताना था। और हाँ, अगर ये अकाउंट लॉक हो गया तो आप एक नया अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें, हो सकता है नया अकाउंट ओपन हो जाए, इस अकाउंट को डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीट करने के लिए इनको मेल कर दें ताकि ये आपका अकाउंट डिलीट कर दे परमानेंटली, एंड आप नया अकाउंट ओपन कीजिएगा, वहां पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें एंड लोन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो बस यार वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।